हैदराबाद में एमआईएम के नेता मजीद हुसैन को पुलिस वालों से उलझना भारी पड़ गया। हैदराबाद पुलिस ने उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज कर लिया। झगड़ा तब शुरू हुआ जब मजीद हुसैन किसी जमीन के विवाद में एक शख्स से उलझ रहे थे और उसी वक्त हालात संभालने के लिए वहां पुलिस वाले पहुंच गए, लेकिन मजीद हुसैन पुलिस के सामने भी शांत नहीं हुए। उनका एक साथी भी भड़क उठा, जिसे पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो मजीद हुसैन पुलिस वालों से भिड़ गए। पुलिस मामला शांत कराने की कोशिश में लगी रही और मजीद हुसैन का गुस्सा बढ़ता गया। पुलिस वालों से एमआईएम नेता की बदसलूकी बढ़ती चली गई। थोड़ी देर में मजीद हुसैन वहां से चले गए, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सौबात की एक बात है कि नेताओं की दबंगई और बदजुबानी के लिए हम लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमें ऐसे ही नेता पसंद आते हैं और शायद इसीलिए मजीद हुसैन जैसे पढ़े लिखे नेता भी कानून के बजाय दबंगई से जमीन का झगड़ा सुलझाने की कोशिश करने लगे, जो हैदराबाद के पूर्व मेयर भी हैं और अब उन पर किसी की निजी प्रॉपर्टी में जबरन घुसने और पुलिस के काम में रोड़े अटकाने का केस दर्ज हो गया।